दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेज़न नदी इस जंगल का प्राण है। ये जंगल दुनिया के 9 देशों के 70 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में स्थित है। आकार में ये इंडिया से करीब 1.67 गुना ज्यादा बड़ा है। पूरे धरती में जितने भी रेन फॉरेस्ट मौजूद है उनका करीब आधा हिस्सा ये अमेज़न जंगल है। इस वर्षा वन में करीब 40,000 अलग अलग प्रजाति के 3,900 करोड़ पेड़ है, और इतने सारे पेड़ होने के कारण इस वर्षावन में ज्यादा ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है, और पूरे विश्व का करीब 20% ऑक्सीजन यहाँ से ही उत्पन्न होता है, और इसी वजह से इस वर्षावन को धरती का लंग्स भी कहा जाता है। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे इसी वर्षावन के बारे में कुछ डिटेल्स में। अमेज़न जंगल की उत्पत्ति हुई थी आज से करीब 5 करोड़ साल पहले योसीन युग में। उस वक्त अमेज़न रिवर के पास गर्म और ठंडी जलवायु के कारण इस जंगल की उत्पत्ति हुई थी। अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका की ज्यादातर हिस्से में स्थित है। इस जंगल के 70 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में से 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके नमी जलवायु द्वारा प्रभावित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुंदरवन, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में ही स्थित है, वैसे ही अमेज़न जंगल 9 देशों में विस्तृत है, और इन 9 देशों में से 60% जंगल केवल ब्राजील में ही स्थित है। इसके अलावा 13% पेरू में और 10% कोलंबिया में स्थित है, और बाकी के 17% 6 देशों में, जैसे कि बोलीविया, इक्वेडर, वेनेजुएला, गुआना, सुरीना और फ्रेंच गुआना में स्थित है। अमेज़न जंगल आकार में महाकाय होने के साथ साथ उसके अंदर रहने वाले प्राणी और पेड़ों में है अविश्वसनीय विविधता। जैविक विविधता से पूर्ण अमेज़न के अंदर है करीब 40,000 प्रजाति के पेड़, 1,300 प्रजाति के पक्षी, 2,200 प्रजाति के मछलियाँ, 473 प्रजाति के स्तनधारी प्राणी, 378 नस्लों के रेंगने वाले प्राणी, 428 नस्लों के उभयचर प्राणी और 25 लाख प्रजाति के कीट पतंग मौजूद हैं। बेदाग खूबसूरती के साथ साथ अमेज़न वर्षावन में बहुत सारे खतरनाक प्राणी भी रहते हैं, चाहे वो पानी हो या भूमि। तेंदुआ, मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल, पिरहाना, जहरीले डार्ट फ्रॉग के साथ साथ अलग अलग प्रजाति के जहरीले सांप भी रहते हैं। अमेज़न जंगल के बीच से बहता हुआ नदी अमेज़न नदी के नाम से जाना जाता है। पेरू के आंदीज पर्वतमाला के नेवाडो सिमसी नामक शिखर से ही इस नदी की उत्पत्ति हुई है। ये नदी दुनिया की दूसरी सबसे गहरी नदी है, और ये नदी अपने साथ सबसे ज्यादा पानी लेकर बहता है। करीब करीब 1,000 सहायक नदी मिलकर ये अमेज़न नदी का गठन हुआ है, और ये सारे सहायक नदी ही इस जंगल के प्राण है। और इन सब सहायक नदी में से 17 नदी की लंबाई 1,000 माइल से भी ज्यादा है। अमेज़न जंगल के बीच से जाने वाली इस नदी ने जंगल के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जंगल के बीच बहते हुए ये सारे सहायक नदी अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका के 5 देशों के बीच से होते हुए करीब 3,000 किलोमीटर रास्ता पार करके दक्षिण में अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। ये नदी जहाँ पर जाकर सागर में मिलती है वहाँ हर सेकंड 42 लाख क्यूबिक फीट पानी जाकर सागर में गिरता है, और बारिश के मौसम में ये बढ़कर होती है 70 लाख क्यूबिक फुट प्रति सेकंड। अमेज़न की ये जल निकासी प्रणाली, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली है, जो करीब 70 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली है। ब्राजीलियन अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्क्वायर और राउंड शेप की बनावट देखने को मिलती है, और ऐसा डिजाइन कब और किसने बनाया है ये अभी भी इंसानों के समझ से परे है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि शायद ऐसी बनावट समाधि के लिए या फिर अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। रिसर्चरों के अनुसार ये कहा जाता है कि अमेज़न के मूल निवासियों ने ये सारे डिजाइनों को बनाया था, लेकिन वैज्ञानिकों की अनुसंधान में ऐसी कोई सामान नहीं मिली जिससे ऐसी डिजाइन बनाई जा सकती है। वहाँ से मिली लक्षण को चिन्हित करके ये जरूर साफ हुआ है कि ये डिजाइन आज से करीब 1200 से 1500 साल पहले बनाया गया था। अमेज़न जंगल रहस्य से पूर्ण है, और उन्हीं में से एक रहस्य है अमेज़न जंगल के बीच बहता एक उबलता हुआ पानी का नदी। इससे तो हमें ये समझ में आ ही जाता है कि इसका पानी बहुत गर्म होता है, और इसके पानी का तापमान ज्यादा से ज्यादा 93 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और वैज्ञानिक अभी तक इस पानी के गर्म होने के पीछे का कारण ढूंढ नहीं पाए हैं। स्थानीय लोग ये सोचते हैं कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा है जो इस पानी को गर्म रखने में मदद करती है, और इसी के कारण वो लोग कभी भी इस पानी के अंदर तैरने नहीं जाते। अमेज़न जंगल में स्थित अतिकाय पौधों में से एक है विक्टोरिया अमेज़न, जो कि पानी में उगने वाला एक कमाल का पौधा है, और इसके इस नाम के पीछे का कारण है इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया। इस कमाल के पत्ते का आकार संपूर्ण विकसित होने पर करीब करीब 3 मीटर तक बड़ा होता है, और ये इतना मजबूत होता है कि एक वयस्क इंसान के वजन आसानी से ले सकता है। अमेज़न के अंदर स्थित पेड़ पौधे ही पूरे विश्व के 20% ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, और इसी के कारण अमेज़न जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ वो सब पेड़ ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी परिवेश से निकासित कर देते हैं, इससे प्रदूषण भी कम हो जाती है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी पूरे विश्व में ही चल रही है बिना रोक टोक के पेड़ों का विनाश। तो यहाँ पर अमेज़न जंगल भी इस विनाश से अछूत नहीं रहा है। मुख्य तौर पर इंसानों के बस्ती के बसने के कारण अमेज़न के जंगल घटते जा रहे हैं। 1960 से पहले अमेज़न जंगल के अंदर पुराने तरीके इस्तेमाल करके ही इंसान खेती कर सकते थे, लेकिन अमेज़न जंगल के बीच ये भूमि बहुत ही कम समय के लिए उपजाऊ होती है और इसी वजह से वहाँ पर रहने वाले किसान अक्सर नई भूमि की खोज में बहुत सारे इलाकों में विस्तृत जंगल को साफ कर देते हैं। 1970 में शुरू हुआ ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे का निर्माण कार्य, लेकिन किस्मत से सैंक्शन के धमकियों के कारण वो काम रुक गया था। लेकिन इसके बाद भी पेड़ों का विनाश चलता रहा। साल 1990 के आते आते करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर इलाकों के पेड़ पूरी तरह से साफ कर दिए गए, जो 2010 में बढ़कर हुआ था 5,87,000 वर्ग किलोमीटर। अनियोजित पेड़ों के विनाश के कारण पर्यावरण वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आगे आने वाले 50 सालों में ये जंगल पूरी तरीके से गायब हो सकता है। और इतनी जल्दी पेड़ों की सफाई की वजह से इसका प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक तापमात्रा में भी पड़ेगा। अमेज़न जंगल के साथ मानव जाति का संबंध बहुत गहरा है। अमेज़न में रहने वाले अधिकांश निवासियों ने अपने आवास बनाए थे नदी के तटीय इलाकों में। मछली पकड़ना, यात्रा की सुविधा और भूमि के उपजाऊ के आधार पर आवास तय होता था। अमेज़न जंगल के अंदर भूतकाल में जो सब इंसानों के समूह रहते थे, वो सब पारंपरिक आस्था और कार्य कुशलता के अनुसार अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। और आज भी यानी कि वर्तमान में अमेज़न जंगल के अंदर अलग अलग जाति के करीब 2 करोड़ मूल निवासी रहते हैं। 1600 सदी में अमेज़न जंगल में गोरों के आने के कारण अमेज़न के मूल निवासियों की तादाद कम होने लगी। एक शोध में ये देखा गया कि अमेज़न का 11.8% इलाका वहाँ के मूल निवासी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जंगल के जैविक विविधता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अमेज़न जंगल में गोरों के आने के बाद से ही जंगल के जैविक विविधता में गड़बड़ी होने लगी। इस समय ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि अभी अमेज़न जंगल के अंदर करीब 400 से 500 के बीच अलग अलग जाति के इंसान रहते हैं और उनमें से 40 से 50 जाति वैश्विक संपर्क से पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं और शायद आगे आने वाले दिनों में वो सब भी हमारे समाज से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा अमेज़न जंगल के ऊपर बना हुआ डिटेल्ड वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।